أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلى من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعطاني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. अल्लाह तबारक व तआला की हमद व सना के बाद नबियों के इमाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे बेशुमार दुरूद व सलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अहले बातिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुकाबला करते, कभी आपके मुख्तलिफ बुरे नाम रखते, कोई मुजम्मम कहता, कोई मजनून कहता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो आपके जानशीन हजरात से सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और अहले बातिल जब नबूवत आज़मा हुए तो अहले बातिल ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के साथ मुकाबला किया और इस जमात को, जिस जमात की तरबियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और इस जमात की तरबियत की निगरानी अल्लाह जल्ला शानहु ने अपने अर्श पर फरमाई, इस जमात बुरे अलकाबात रखे गए, बुरे नाम दिए गए। इसी तरह उनके बाद ताबईन तबा ताबईन मुहद्दिसीन इनाम मुफस्सिरीन किराम सलफ सालहीन इनका अहले बातिल के साथ मुकाबला रहा है। तो अहले बातिल ने जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुरे जुमले अलकाबात अस्मा रखे गए और कसे गए, सहाबा के लिए रखे गए और कसे गए, इसी तरह सलफ सालहीन के लिए भी रखे गए ऐसे बुरे अलकाबात और कसे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की मुखालफत करने वाले, आपकी बात की मुखालफत करने वाले, आज भी उनकी रूहानी ज़ुर्रियत जो अपने आप को मुसलमान ख्याल करते हैं और मुसलमान समझते हैं, वो हदीस को और अहले हदीस को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहल है, अहलुल हदीस के साथी तो नहीं बने लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांसों के साथी बने। तो अहले हदीसों को इन्होंने बुरा कहना शुरू कर दिया, बुरे अलकाबात को इला मजहब कहता है, कोई गैर मुकल्लिद कहता है, कोई अंग्रेज के दौर की पैदावार कहता है, कोई फिरका जदीदा कहता है। हालांकि अहले हदीस वो कदीम जमात है जिस जमात की बुनियाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी। सहाबा अहले हदीस थे, ताबईन अहले हदीस थे, मुहद्दिसीन अहले हदीस थे और असली अहले सुन्नत वल जमात ताइफा मंसूरा अहले हदीस ही है। हमारे अकायद की किताबें जो है वो मुहद्दिसीन ने लिखे हैं। हमारे अकायद की किताब पहली कुरान है, सही बुखारी सही मुस्लिम है, कुतुबे हदीस हमारे अकायद की किताबें हैं। इसके बाद मुहद्दिसीन ने हमारे अकायद पर किताबें लिखी हैं, जैसे किताबुत तौहीद इमाम इब्ने खुज़ैमा रहिमहुल्लाह की, किताबुत तौहीद इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह की, किताबुल उलूम इमाम ज़हबी रहिमहुल्लाह की और किताबु इस्बातुल उलूम हाफिज़ मुक़द्दसी रहिमहुल्लाह की, अकीदा तहावीया हाफिज़ अब्दुस सलाम रहिमहुल्लाह का और किताबुल अस्माए व सिफात इमाम बहती रहिमहुल्लाह की और इसी तरह अल इतिकाद व अहले सुन्नत व जमा हजरत इमाम बहती रहिमहुल्लाह, इसी तरह हमारे अकायद पर ये किताबें लिखी गई और मसाइल पर भी किताबें लिखी गई। जैसे इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने जुज रफुल यदैन लिखा है, रफुल यदैन पर एक मुस्तकिल किताब तारीफ की है। इसी तरह फातिहा खल्फ अल इमाम पर इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने एक मुस्तकिल किताब तारीफ की है।
इसी तरह इमाम महदी रहमतुल्लाह ने किताबुल किरात फातह खल्फ अल इमाम पर एक मुस्तरद किताब तालीफ की है, लेकिन इनके अकायद की किताबें भी आपको नहीं मिलेंगी और इनके मसाइल की किताबें भी नहीं मिलेंगी। ये तकलीदी आले जो बंद, ये ना ही अहले सुन्नत है और ना ही हनफी है, ये अपने अहले सुन्नत पर जमात होने के दावा में भी झूठे हैं और हनफी होने के दावा में भी झूठे। अहले हदीस के खिलाफ मुख्तलिफ इल्जामात, बोहतानात, बदारी जुमलों, अलकाबात के साथ पंफलेट बाजी की जाती है, और इसके अलावा हदीस दुश्मनी में और अहले हदीस दुश्मनी में इतना गुलूम किया गया है कि ये मेरे हाथ में किताब है, मेरे हाथ में किताब है, मेरे हाथ में ये किताब है मजमुआ रिसाइल जनाब मास्टर अमीर उकाडवी साहब का, ये तकलीदी आले देवबंद के बड़े मुनाजिर हैं, और इस पहली जिल्द में उन्होंने मसला रफुलदैन पर वो तलबीसात को खेली है, धोखा दिया है, और रोजे रोशन की तरह जो यह मसला है रफुलदैन उस पर खाद डालने की भरपूर कोशिश की है। युरीदून अन युत्फिउ नूर अल्लाह बिअफवाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, ये तो चाहते हैं अल्लाह के चिराग को बुझा डाले, लेकिन अल्लाह के चिराग को कोई भी बुझा डाले, कोई नहीं बुझा सकता। तो जब ये किताब हमारे पास पहुंची तो हम इस बात पर मजबूर हो गए कि इस किताब का जवाब दे। इसके अलावा नूर सबा है, हबीबुल्लाह डेरवी देवबंदी की किताब है, इसके अलावा और इस मसला पर बेशुमार इन्होंने किताबें तसनीफ कर रखी है, तालीफ कर रखी है, और इस मसला पर अवामुन्नास को धोखा देने की भरपूर कोशिश की है। तो आज की इस मजलिस में इंशाअल्लाह रहमान मैं रफुलदैन के मसला पर बयान करूं। मसला रफुलदैन पर मैं आपको सबसे पहले कुछ अहदीस सुनाता हूं। इस मसला पर बेशुमार अहदीस है और जिन मुहद्दिसीन ने मुतवातिर अहदीस की किताबें लिखी हैं, शेख जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ने इस तरह नज़्म अल मुतनासिर, मिनल हदीस अल मुतवातिर और कई किताबें हैं, उन्होंने रफुलदैन के इस बात वाली अहदीस को मुतवातिर करार दिया है। सबसे पहले मैं आपको सही बुखारी की हदीस सुनाता हूं। सही बुखारी वो किताब है कि पूरी उम्मत का इजमा है, इत्तेफाक है कि अल्लाह की किताब कुरान मजीद के बाद सबसे सही तरीन किताब सही बुखारी है। सही बुखारी में सालिम बिन अब्दुल्लाह रहिमहुल्लाह अपने बाप अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से हदीस बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो कंधों के बराबर रफुलदैन करते, जब रकू जाते तो रफुलदैन करते, दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठाते, और जब रकू से सर उठाते तो इसी तरह रफुलदैन करते। अन सालिम इब्न अब्दुल्लाह नबी अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यरफउ यदैहि हज़्व मनकिबैहि इज़ा फ़तह अस्सला व इज़ा कब्बर अलरुकू व इज़ा रफ़अ रासहु मिन अलरुकू रफ़अहुमा कज़ालिका अय्ज़न व काना सल्लल्लाहु लिमन हमिदा व काना ला यफ़अल ज़ालिका फ़िस्सुजूद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त रफुलदैन करते, रकू जाते रफुलदैन करते, रकू से सर उठाते रफुलदैन करते, और आप सजदों में रफुलदैन ना करते। यह हदीस सही बुखारी में मौजूद है, सही बुखारी हदीस नंबर 735 और 736, सही मुस्लिम हदीस नंबर 390 है, सही इब्ने खुदैमा जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 232 है, सही इब्ने हिब्बान जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 168 है, सही अबी अमाना है सफा 90 जिल्द 2 है, जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 255 है। ये हदीस सही बुखारी के अलावा सही बुखारी से पहले लिखे जाने वाले जो मुतकद्दमीन के बाद मुहद्दिसीन है उनकी किताबों में भी मौजूद है, जैसे किताबुल रुक इमाम शाफी रहमतुल्लाह की है उसमें यह हदीस मौजूद है, अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह की मुसनद अहमद है उसमें यह हदीस मौजूद है, इसी तरह मुअत्ता इमाम मोहम्मद जो अहनाफ के इमाम फिका है उनकी किताब में यह हदीस मौजूद है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह की किताब है मुअत्ता मालिक उसमें ये